अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और आप लोग कैसे हैं? आज है 21 नवंबर 2022 और हल्दी का टाइम है। लेकिन उससे पहले मेरे सिस्टर का आज एनिवर्सरी भी है, तो उन्हें हैप्पी एनिवर्सरी बोल देता हूँ। उन्हें अब तक किसी ने विश नहीं किया। अबा, बाजी का एनिवर्सरी है, चुपके से चल के कैमरा पे हैप्पी एनिवर्सरी एक साथ बोलना है, ठीक है? एक साथ सब कोई चल के हैप्पी एनिवर्सरी बोला जाए, कैमरा में रिकॉर्ड होगा। बाजी, हैप्पी एनिवर्सरी। ए आज मम्मी का एनिवर्सरी है, हैप्पी एनिवर्सरी बोल। हैप्पी एनिवर्सरी। पहन लो, हल्दी के लिए रेडी हो जाओ। अरे 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 पहन लो, मामा का हल्दी है पहन। आदिल, हाँ, आज क्या पहनने वाले हो? ये कुर्ता। येलो है? यस। ओहो, ये तो काफी जबरदस्त दिख रहा है। ये है आपका कुर्ता। यस, बहुत ही सिंपल लिया है मैंने, क्योंकि हल्दी के बाद मोस्ट प्रोबेबली खराबी हो जाएगा। तो 500 रुपए का ये कुर्ता है। लेट्स चेंज। चेंज करने से पहले नहाना भी पड़ता है। सो यहाँ पे कैमरामैन हमारे रेडी हैं। सलमान भाई को हमने कैमरामैन बना दिया है। यस yes. आप भी पीला पहन लिए हैं? कहाँ से मिला? ईद ही का पहन लिया, नया नहीं मिला आपको? सो सैड, आपको नया कोई नहीं ला के देता है, आपको कोई प्यार नहीं करता है। सो सैड। यही काफ़ी है मेरे लिए। नहीं तो अभी गाइज मैं नहाने जा रहा हूँ, नहा धोवा के निकलता हूँ, फिर उसके बाद तैयार होकर के हल्दी का सेरेमनी शो करता हूँ। फारूक भाई फुल ऑन फोटोशॉट मूड में है, ये देखिए इधर दो दो कैमरामैन लगे पड़े हैं और तीसरा तो मैं हुई। सो इधर मिठाइयाँ वगैरह पैकिंग हो रही है, हमारे शिबू भाई हैं यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं, इधर गुलाम भाई हैं फोन पे बात करते करते पैकिंग कर रहे हैं। तो फोन है ना, आईफोन? कौन सा फोन? आईफोन लिया हुआ हाथ में, तुम्हें कैमरा क्यों चाहिए? नहीं, आईफोन से खींचो, आईफोन बेस्ट होता है। कौन सा आईफोन है? आईफोन 6 है तो सबसे अच्छा आता है, 14 से भी अच्छा कैमरा है इसका। वेरी गुड, यूज करो, गुड बॉय। शाहरुख भाई, फीलिंग बताइए, आप फाइनली जा रहे हैं हल्दी के लिए? चलिए अब हल्दी लगेगा, आप आगे चलिए। तो फाइनली अब हल्दी होने वाला है, मेरे को बहुत डर लग रहा है, क्या होगा मेरे साथ। फेस इधर रहेगा, सुनिए इधर कैमरे पे स्माइल होना चाहिए। 2 and 3 फर्स्ट। ये रहा सिक्स पैक्स दिखाइए अपना। ये हुई बात। तकलीफ़
जबरदस्त, वंस मोर ये तो तब मजा आएगा ये। तो फाइनली हल्दी लग चुका है, हल्दी खत्म हो चुका है। ये जब हल्दी लगाने आया ना, तो हल्दी लगाते लगाते इधर उधर देखने लगा और मेरे आँख में लगा दिया हल्दी। तो दोस्तों आज हल्दी का सेरेमनी पूरा हुआ। वैसे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जो फ्लावर है ये हमें Xiaomi इंडिया ने भेजा है हमारी शादी का एज अ गिफ्ट, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये फ्लावर वैसे आया था तो बहुत ज़्यादा ये मतलब खिला हुआ नहीं था, बट हमने इसे पानी में डाला है एंड पानी में डालने के बाद इसके साथ एक केमिकल भी दिया हुआ था, उसे पानी में मिलाने के बाद ये जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। सो ये जो फूल है ये बिल्कुल ही अंदर था, ये वाला बिल्कुल ही अंदर था, ये बाहर आ चुका है एंड थोड़ा बहुत ये सब लीव्स आप देख सकते हैं कॉर्नर से डेड हो रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे सीजर रखा हुआ हूँ, तो जो डेड लीव्स होते हैं उन्हें मैं काट के निकाल देता हूँ। जैसे कि आप इधर देखोगे कुछ कुछ डेड लीव्स वगैरह गिरे हुए हैं एंड ये रहा पानी, तो आई थिंक कि मुश्किल से 5-6 दिन ये चलेगा पानी इसका, अब मुझे बदल देना चाहिए आई गेस। एंड नीचे से मैंने इसके टहनियों को भी काटा है, तो इस तरह से केयर करना पड़ता है अगर आप लाइव फ्लावर लेते हो तो, ये नहीं कि बस फेंक दो। ये है इसका दूसरा सैचेट जो कि अगेन इसका खाना है, जो कि मैं कल इसके पानी में डालूंगा एंड उसके बाद ये हो सकता है कि और भी ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो जाए और भी तेज़ रफ्तार से। बट एक और काम करना पड़ता है, इसके पत्तों पे हमें पानी छिड़कना पड़ता है। वैसे स्प्रे तो नहीं है बट हाँ, हाथों में पानी ले करके इस पर इस तरह से कुछ स्प्रे कर देंगे ताकि ये जो फ्लावर्स है ये यंग रहे। वैसे ये फ्लावर Xiaomi इंडिया ने इंटरफ्लोरा की तरफ से भेजा था। एक और चीज़ हम बताना भूल गए थे कि जो भी घर में डेकोरेशन हुआ है वो मेरे भाई ने और मैंने मिलकर किया। जैसे ये जो लाइट्स की लड़ियाँ नज़र आ रही है ये ऊपर से लेकर के नीचे तक, 5 फ्लोर से पूरा नीचे तक हम दोनों भाई ने मिलकर कर दिया, क्योंकि घर में लाइट्स भरे हुए थे एंड यहाँ पर मैंने बालकनी में कुछ लाइट्स लगाए थे। अभी ऊपर वाली लाइट्स तो नहीं जला सकता बट ये बालकनी वाली लाइट मैं ऑन करके दिखाता हूँ तो कैसा लगता है। तो ये रहा ऑन, कुछ ज़्यादा ही टिमटिम आ रहे हैं अभी, तो इतना भी नहीं, थोड़ा स्लो करते हैं एंड या आई गेस ये सही है। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि ये जो बकेट्स है ना ये मैंने फ्लावर रखने के लिए लिए थे बट इसके लायक मुझे ज़्यादा फ्लावर मिले नहीं, तो मैंने क्या किया, ये बहुत ही लंबा सा ये पूरा एलईडी लाइट था, ये पूरा सिंगल एलईडी लाइट है, तो मैंने यहाँ से लेकर के इस बकेट में कुछ गिरा दिया, इस बकेट में कुछ गिरा दिया, इस बकेट में और इस बकेट में एंड उसके बाद से ये कुछ इस तरह का दिखने लगा। और एक और काम मैंने किया लाइट में वो ये कि किचन के नीचे हमने ये स्ट्रिप लाइट लगा दिया है और इसे मैं अपने फ़ोन से चेंज कर सकता हूँ, तो कैबिनेट के नीचे इस स्ट्रिप लाइट कुछ इस तरह का लग रहा है। और हाँ, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं कपड़े सजा रहा था, तो जी रूम साफ हो चुका है, कपड़े में सजा चुका हूँ। दूसरी चीज़ मैं कर्टेन लगा रहा था, फाइनली यहाँ कर्टेन लग चुका है बेडरूम में, रेड कलर का कर्टेन एंड इधर हॉल का कर्टेन आप देख सकते हो ब्रॉन्जिश टाइप का कलर है एंड यहाँ के कर्टेन में मैं थोड़ा सा कलर मैच करने की कोशिश किया हूँ, अलग अलग कलर डालने की। सो गाइज आई गेस वीडियो हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगा, अब 3 दिनों के बाद शादी होनी है, तो आई गेस कभी भी नहीं ब्लॉग में डेली ब्लॉग करने का कोई इरादा नहीं है, बट अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो आऊँगा। सो गाइज हल्दी हो चुका है और देख सकते हैं मेरी शक्ल पीला शक्ल लग रहा है और अभी खाना चल रहा है, खाना यम्मी खाना। क्या है खाने में, अंडा, चना आलू, बिहार से हो, चना आलू तो खाते ही हो।